Today we will see how to become a consistent person. तो दोस्तों, यदि आपको किसी भी फील्ड का मास्टर बनना है या उस फील्ड का एक पक्का खिलाड़ी बनना है तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी का होना सबसे जरूरी होता है। बिना कंसिस्टेंसी के आप कभी भी अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी नहीं बन सकते। कंसिस्टेंसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाकर आप अपने काम के अंदर कंसिस्टेंसी को लेकर आ सकते हैं। उदाहरणार्थ एक मशहूर खिलाड़ी ने कहा है कि मुझे हर रोज अपने काम की ट्रेनिंग करना काफी बोरिंग लगता है, लेकिन जब भी मैं बोर होता हूं तो अपने आप को एक बात बोलता हूं कि यदि आज तू इस दर्द को उठा लेता है तो कल तू एक चैंपियन बन जाएगा। यदि आप भी अपने काम के अंदर आज मेहनत कर लेते हैं तो कल आप एक चैंपियन की तरह अपने जीवन को जी सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो चैंपियन की तरह अपने जीवन को जीते हैं। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जिसके पीछे काफी प्रैक्टिस होती है और यह एक ऐसी आदत है जो एक दिन के अंदर नहीं बनती है। इसको बनने में काफी समय लगता है, उसके पीछे काफी प्रैक्टिस होती है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर आप फॉलो करते हो तो आपके जीवन में जरूर आपको सफलता मिलेगी और आप एक कंसिस्टेंट पर्सन बनोगे। तो आज मैं आपको तीन ऐसे एग्जाम्पल्स बताऊंगा या तीन ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर आप रोजाना फॉलो करते हो तो आप अपने जीवन में सफल बन जाओगे और एक कंसिस्टेंट पर्सन बन जाओगे। तो दोस्तों, उसमें से पहला है छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, सेट स्मॉल गोल्स। जी हाँ, छोटे छोटे गोल्स निर्धारित करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। देन उसमें दूसरा है बिना किसी प्रेरणा के भी कार्य करें, टेक एक्शंस विदाउट मोटिवेशन। यानी आपको अगर कभी काम में मन भी नहीं लग रहा हो या वो करने की इच्छा ना भी हो तो भी आप उसे करें और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। देन उसमें तीसरा है दोस्तों, टाल मोटल करना बंद कर दे, अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। यानी हम बोलते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं थोड़े दिनों बाद करेंगे, दो तीन दिनों बाद करेंगे, ऐसा करना अभी से बंद कर दे। और जो भी आपने एक्शन लेना है वो अभी से लेना है, जो भी काम है वो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कंप्लीट करो और उसको टाल मटोल मत करो। ये तीन चीजें अगर आप जिंदगी में फॉलो करते हो दोस्तों तो आप जरूर एक कंसिस्टेंट पर्सन बन जाओगे और यही कंसिस्टेंसी आपको एक सफल इंसान बना देगी और आपके जीवन में आप सफल हो जाओगे। धन्यवाद दोस्तों।